शक्ति है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही है। बर्बर अत्याचार पुलिस के द्वारा, ऐसे वक्त में जब पूरे बिहार में चुनाव का दौर हो, पुलिस को तो संयंत्र रखना चाहिए। मूर्ति विसर्जन लोग शांतिपूर्वक तरीके से चाहते, आपने लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, 8 लोग घायल हुए और एक नौजवान लड़का के सर में आप जो है उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी, और अभी तक किसी प्रकार का ऐलान नहीं किया गया। ठीक ही कहा गया प्रधानमंत्री आ रहे, लेकिन हम तो जानते हैं ये पूरे नीतीश और सुशील मोदी जी के कार्यकाल में अपराध का ग्राफ और पुलिस अत्याचार का ग्राफ काफी बढ़ गया है, और खुद जब ये चुनाव चल रही है, जब ऐसे वक्त में भी इस तरह की घटना घटे तो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये निरंकुश सरकार, ये जो भाजपा धोती की सरकार है, एक बर्बर सरकार, और इस बर्बर सरकार को तो जनता जरूर सबक सिखाएगी। ये जो खून बही है, ये मूर्ति पूजा के मौके पे, तो बिहार की जनता तो सबक सिखाएगी। और भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं किस तरह की घोषणा करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे बिहार की जनता इस चुनाव में भी इस घटना का प्रतिरोध करेगी, जोरदार तरीके से प्रतिरोध करेगी, और राजनीतिक रूप से भी इसका विरोध होगा।